हेलो ऑल, वेलकम टू योर चैनल वेल्थ एंड मोर। ये वीडियो में हम बात करेंगे HDFC AMC स्टॉक के बारे में। स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया था 3800, वहाँ से अभी स्टॉक 30% गिर के अभी ट्रेड हो रहा है 2627 ये लेवल पे। तो क्या हमें इस स्टॉक में ये लेवल पे बाइंग करनी चाहिए या और वेट करना चाहिए? अगर मैं उसका हाई से यहाँ पे अगर यहाँ पे ये मेजर करता हूँ फॉल, तो अभी एग्जैक्टली 30% फॉल पे स्टॉक अभी खड़ा है यहाँ पे। इसका जो सपोर्ट था 2700 का, वो भी उसने अभी ब्रेक कर दिया, और अभी 2627 पे स्टॉक अभी फिलहाल तो अभी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो उसका बाइंग जोन है, ये 2620 का करंट लेवल से लेके 2350 का लेवल, ये लेवल में आप बाइंग कर सकते हो और उसको अकोमोडेट कर सकते हो। स्टॉक अच्छा है सिंस अभी AMC बिजनेस में एक लीडिंग कंपनी है ये वाली, एंड सिंस अभी करेक्शन पे अवेलेबल है, ऑलरेडी 30% करेक्ट हो गया है स्टॉक टॉप से। एंड मुझे लगता है ये जो अभी और थोड़ा करेक्शन है अराउंड 12% का, उसमें आप उसको एवरेजिंग कर सकते हो फॉर श्योर। अभी तो स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाए तो यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड मुझे लगता है करंट लेवल भी अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है स्टॉक के लिए, बट आई थिंक मैं इसको यहाँ से अकोमोडेट करूँगा। और ये जो 2300 का जो लेवल है, 2350 का भी लेवल है, और अभी का जो लेवल है 2627 का जो लेवल है, ये लेवल में ये स्टॉक को मैं अकोमोडेट करूँगा यहाँ पे अभी। ओके, अगर आपने ये स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाया तो आप अभी इसमें बना सकते हो, और उसको एवरेजिंग के लिए थोड़ा स्पेस रखो, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक भी अभी गिर जाएगा। ओके, एजुकेशनल पर्पज वीडियो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप खुद का एनालिसिस करो और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।